मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमें स्वयं अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप से एक प्रॉमिस करना चाहिए। हम यदि हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, यानी कि हमारी एक्सरसाइज रेगुलर हो, हम एक संतुलित और स्वच्छ आहार का उपयोग करें और हमारी जो दैनिक जीवन की आदतें हैं, जैसे तंबाकू का सेवन करना है, स्मोकिंग करना है, जंक फूड खाना है, यदि इन सब चीज़ों में संयम बरतेंगे तो यह एक तरह का प्रॉमिस हम अपने हार्ट से कर रहे हैं कि हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें अपने दिल से दिल तक यदि पहुंचना है तो अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है और उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करना ज़रूरी है। और चूँकि यह कार्यक्रम सितंबर महीने में हो रहा है, जो वर्ल्ड हार्ट डे के लिए फेमस है, 29 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड हार्ट डे का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी लोगों में, आम लोगों में हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रोपोगेट करना, जिससे हमारा हार्ट स्वस्थ रहे। और इस साल का जो वर्ल्ड हार्ट डे का लोगो है वो भी यही है कि प्रॉमिस फॉर हेल्दी हार्ट। तो हमें स्वयं को अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए खुद से एक वादा, खुद से एक प्रॉमिस करना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। मैं डॉक्टर अल्केश जैन, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, गोकुलदास हार्ट हॉस्पिटल, आपको विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 2018 को मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है कि प्रॉमिस योरसेल्फ, या हम एक प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम अपने हार्ट का ख्याल रखेंगे एवं अपने परिवारजनों का एवं समाज में सभी के हार्ट का ख्याल रखेंगे। इस प्रॉमिस में हमें कुछ प्रण करना होगा कि हम यदि स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करते हैं तो वो तंबाकू का सेवन छोड़ें, अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मानसिक तनाव से बचें और हेल्दी फूड हम लें और जंक फूड अवॉइड करें। मैं डॉक्टर गिरीश कौठेकर एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और विगत 25 से 27 साल से मैं इस क्षेत्र में यहाँ पर इंदौर में काम कर रहा हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे के मैसेज के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हम भारतीयों में हार्ट की बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। केवल ज़्यादा नहीं है, ये यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। आज भी आप समझ सकते हैं कि कितने आईसीयू में कितने यंगस्टर्स ऑफ 30, 35, 40 ईयर्स के लोग वहाँ पर भर्ती हुए हैं। आप फॉरेन में जाएं, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, वहाँ पर 60 के पहले बहुत कम देखने को मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि हम लोगों में ज़्यादा है हार्ट की बीमारी। हमको इसके लिए बचाव, इलाज के अलावा बचाव करना ज़्यादा ज़रूरी है। और बचाव में याद रखें, हमको डबल मेहनत करना है। हम सबको प्रण करना है कि अच्छा मेहनत करके इसको धक्का मारें कि 10 से 20 साल आगे बढ़ाएं अपनी हार्ट की बीमारी के चांसेस को। और इसके लिए याद रखें, हमको दो चार चीज़ें जो हम में कमियां हैं उसके ऊपर डबल मेहनत करना है। जैसे हमको एक्सरसाइज ज़्यादा करना है। हमको कितने लोग रोज वॉक और एक्सरसाइज करते होंगे, हमको ज़्यादा मेहनत करके रोज अपने रूटीन में ये एक अपना एस्पेक्ट आना चाहिए। सेकेंड पार्ट है कि हमको डाइट, हम पर्टिकुलरली इंदौर के लोग शान से बोलते हैं कि हमको खाने का शौकीन है, पर ध्यान रखें कि अपने को शौक हमारे जानलेवा न बने। हम लोगों को हेल्दी डाइट खानी चाहिए। थर्ड इज हमारे लिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों का कंट्रोल होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेस। मैं बोलता हूँ, आज सबको बोलता हूँ, यंगस्टर्स को पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और इसके अलावा बोलना चाहोगे, बीइंग हैप्पी।
हैप्पीनेस इज डिफरेंट देन व्हाट यू कैन अचीव, व्हाट यू गेट, व्हाट यू कैन. तो हम लोगों को बैलेंस रखना है कि मुझे खुश रहना सीखना होगा और तभी हम हार्ट से अपने आप को महफूज कर पाएंगे, अपने हार्ट डिसीज और इनसे दूर रख पाएंगे, अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे. और ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे खुश रहें. लास्ट पॉइंट, वी हैव ए टोकन ऑफ, मतलब नॉट टोकन, आई वुड से ए प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी विच वी हैव टू टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर. हम लोगों को एक्सरसाइज से हमारे पेट का जो आगे आता है उसको रोकना चाहिए. इन सब चीज़ों से अल्टीमेट ये है कि हम लोग एक काम कर सकें इस साल से, जो कि स्लोगन है वर्ल्ड हार्ट डे का, कि हम कम से कम छोटा सा एक प्रण लें जो हमारे हेल्दी हार्ट के लिए आगे हमारे लिए वो काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट देगा. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते, मैं डॉक्टर नितिन मोदी, हृदय रोग विशेषज्ञ CHL हॉस्पिटल इंदौर में हूँ. ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्ट डिसीजेस has become the number one cause of death, this number one killer. इसी को देखते हुए हार्ट डिसीज अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बना है और ये लगभग 2000 से हर साल एक वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं. सिंगल डे में कैंपेन होता है लोगों के अवेयरनेस के लिए, हार्ट डिसीज के जानकारी और हार्ट डिसीज से बचने के संबंधित हर साल एक कैंपेन वो शुरू करते हैं. यह वर्ल्ड हार्ट डे इस साल 29 सितंबर 2018 को मनाया जाएगा. इस साल की वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है माई हार्ट, योर हार्ट एंड आवर हार्ट. बेसिकली यह इसलिए है कि हमें अपने हार्ट की बीमारी के बारे में अवेयरनेस के लिए, एक आम आदमी अपने मोबाइल के बारे में कितना GB रैम है, कितना डाटा है, कितना कैमरा है, अपने स्कूटर के बारे में, अपनी कार के बारे में सारी चीज़ें जानता है, लेकिन अपने दिल के बारे में वो कुछ नहीं जानता है. तो यह अवेयरनेस कैंपेन है कि आप अपने हार्ट को जानिए और हार्ट की बीमारी से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर है उसके बारे में जानिए. और इस साल एक कैंपेन का एक पार्ट है कि मेक ए प्रॉमिस, एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक प्रॉमिस ज़रूर कीजिए. यह प्रॉमिस यह हो सकता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, यदि आपका ऑफिस आपके घर के पास है आप कार से जाके कि आप ये तय करें कि अगली बार से मैं अपने साइकिल से जाऊँगा या बाइक से जाऊँगा, या अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है जैसे आप बहुत फैटी फ्राइड आइटम है, यदि इंदौर या मालवा के जोन के हैं तो आप वो के साथ नमकीन, समोसा, कचौरी, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन करें, या अपने फैमिली से करें कि हम अपना वेट रिड्यूस करेंगे या रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो एक प्रॉमिस इस बार वर्ल्ड हार्ट डे पे जरूर आप अपने आप से करिए, मेक ए प्रॉमिस. माय नेम इज़ डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, मैं एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ, अरिथमिया स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इंदौर में. मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि लाइफ हम सबके लिए काफ़ी प्रिशियस है. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर कॉन्शियस एंड वी आर अवेयर अबाउट दिस गिफ्ट ऑफ गॉड. सो इट इज़ अवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट दिस लाइफ. अ मैसेज टू द पब्लिक फॉर कार्डिक हेल्थ. आई थिंक देर आर टू मेजर एनिमीज ऑफ अवर हार्ट, टू सेट्स ऑफ एनिमीज. वन सेट इज एक्सटर्नल, वन सेट इज इंटरनल. सो इंटरनल एनिमीज फर्स्ट. So first of all, if we want to improve our cardiac health, we should control hypertension, blood pressure. We should control diabetes, and we should control mental stress. And about external factors, the most important factors are smoke, which is smoking, cigarette smoking. Then it is food, the type of food which we eat. We all know what is healthy food, what is unhealthy food. Still, we end up liking and eating what is good for our taste, but not good for our health. And third aspect is pollution. So I think we have to control these two sets of issues if we want to keep our heart healthy and working nicely for a long period of time. Namaskar, main Dr. Siddhant Jain hu. Main cardiologist yani hriday rog visheshagya hu. Main Indore mein Apollo Hospital mein apni sevaye deta hu. मैं सभी हार्ट पेशेंट यानी हृदय रोगियों को ही नहीं बल्कि सभी स्वस्थ व्यक्तियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हार्ट डिजीज़ हम में से किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकती है एवं इसके बारे में जानना इससे बचाव के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. हार्ट डिजीज़ आज एक महामारी की तरह फैल रही है. आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, हॉस्पिटल्स में बड़े उन्नत, एडवांस और महंगे ट्रीटमेंट हम लोगों के पास हार्ट पेशेंट्स हार्ट डिजीज़ के लिए अवेलेबल है, पर उन सबके बावजूद दिल की बीमारियों का प्रकोप कम नहीं होता है. इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली से लिंक्ड है, संबद्ध है.
और इसे समझकर हम शायद इसके बचाव में कुछ कर सकते हैं। संक्षिप्त में शॉर्ट में कहना चाहूँगा सिर्फ चार बातें जो हमें हार्ट डिजीज से बचने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, एक स्वस्थ व सक्रिय जीवन शैली यानी एक्टिव लाइफस्टाइल। नंबर दो, संतुलित व सही खानपान। नंबर तीन, समुचित मेडिकल जांच, बीमारियों का निदान एवं उनका समुचित प्रॉपर उपचार। नंबर चार, तनाव रहित उल्लासपूर्ण मन। यह चार बातें यदि हम समझते हैं तो हम दिल की बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, कार्डियोलॉजिस्ट एट दरभंगा। वर्ल्ड हार्ट डे इज कमिंग एंड इन दिस ओकेजन आई लाइक टू गिव द मैसेज दैट एज द हार्ट डे इज द नंबर वन किलर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया ऑल्सो, नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट आवर रूरल एरियाज एंड पुअर पीपल आर ऑल्सो गेटिंग सफर्ड बाई दिस हार्ट डिजीज एंड इट बिकमिंग नंबर वन किलर एंड ऑल्सो इट्स इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस इज रैपिडली इंक्रीजिंग। So we have to stop this epidemic of heart disease, and by the way the we can stop the heart disease, first is to reduce the stress level, decrease the stress level in your work in any time, anything. Second is your keep your food simple, non-oily food, less in vegetables, less in fat and more in vegetables. Do routine regular exercise. And of course, if you are symptomatic, then go to as early as possible to cardiologist. He can give some checkups and do TMT, ECG, and echo, and plan according to your treatment. Because the trend of heart disease increase, so is the treatment. Treatment of heart disease is available to almost every age and every district of this country now. And one should get benefited from this. Thank you. Dear friends. Today I will be talking on the World Hypertension Day and sending a message to all of you. As you know, hypertension is a global epidemic and it is a cardiovascular disease with a high morbidity and mortality. Either alone or along with the other diseases like diabetes, smoking, dyslipidemia. So hypertension is a major epidemic and we have to fight it out. And the major thing to fight it out is a lifestyle modification in the form of reducing salt in the diet, reduction in the weight, exercising, stop smoking, and also a good control of the blood pressure and the cholesterol. And for the good control of blood pressure, it is essential that we start with one or two medicines at the beginning itself and at the same time investigate for it. So in a short message, I would say if a person wants to control his blood pressure and have a healthy living for a long time, he should go for the lifestyle modification and have a regular follow up with his physician for the control of blood pressure. Thank you. Staying at Damtari, a Chhattisgarh, for a healthy heart, one has to follow following five things. One, he must be happy under all situations. Second, he should eat little and keep mum and quiet. Third, keep your weight under control. Fourth, stop smoking, alcohol and addictions. And last but not the least, he must have everyday exercise and daily time to devote in lunch, breakfast and dinner. I am Dr. Kedar Nadan from Chennai, Mylapore. I have been practicing for the past 37 years. I wish all my patients who have cardiac problem a healthy and peaceful, prosperous life on the World Heart Day. Thank you. सबसे आवश्यक है कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, नियमित एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक या योगा, अपने खान पान में भोजन और तंबाकू के इस्तेमाल से दूर रहना। इसके अलावा साल में एक या दो बार अपने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच कराना। जहाँ तक दृष्टिकोण का प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना है और वो
सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में भक्ति योगा और ध्यान आध्यात्मिक साहित्य काफ़ी मददगार साबित होती है। अगर हम अपने जीवन शैली में इन बातों को अपनाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और दो तीन बार साल में अपनी शारीरिक जांच खासतौर से ईसीजी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जांच कराएं तो मैं समझता हूँ हृदय रोगों से काफ़ी बहुत अच्छा होगा। September 29th is the World Heart Day. It's not good to celebrate World Heart Day only for one day in a year. You have to be aware of your heart throughout the year, throughout your life. It's better to take care of your heart throughout the life. Heart care should start at the age of 25 when you start working for yourself. This is the time when the stress builds up. You are growing, your family, your parents are becoming old, you have more responsibilities towards your family, towards the society and towards yourself. This is the correct time to start doing exercises, taking good food and keeping your mental health balance equal. On the eve of World Heart Day, I would like to tell all my patients who have heart related problems. The best way to prevent heart disease is physical exercise, regular physical exercise, to maintain their weight according to their BMI, and a stress free life, and avoid alcohol, high cholesterol diets, and regular checkup with their doctor is the best way to prevent heart disease. At any time, at least 20-30% of our general population is affected with hypertension. Hypertension in itself is one of the most important reasons for rising prevalence of heart disease, including coronary artery disease, heart failure, strokes, which are the leader killers worldwide. Hypertension is a very prevalent problem, but its detection and its treatment and control rate is very bad, even in the best of the countries, in countries with the best health structure also. What is needed is awareness about this condition. One has to get his BP checked regularly to know whether he is suffering from high BP or not. Proper life in early stages of hypertension, all patients don't need to be on medications. Lifestyle modifications like salt restrictions, exercise, weight correction, they are also quite effective. But if these measures are not effective, patient should definitely be started on medication. In a patient who has stage 2 hypertension or higher, preferably the start should be with a double 2-drug combination. If you control the hypertension in time, we may prevent future development of kidney disease, renal failures, strokes, heart attacks, heart failures, atrial fibrillation, and so many other conditions. So don't ignore hypertension, get it treated on time. 9 September ko har saal pure vishwa mein hum log हार्ट डे के रूप में मनाते हैं। हार्ट डिजीजेज के बचाव का कारण का मुख्य कारण ये है कि हम लोग के जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। जीवन शैली में जैसे मोटापा कम करना, ब्लड प्रेशर है तो उसको नियंत्रण करना, शुगर अगर है तो उसको भी कंट्रोल करना, धूम्रपान एंड अल्कोहल को बंद कर देना चाहिए। साथ साथ हम लोगों में कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत रोल है। कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल का बढ़ जाना, एचडीएल का कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड्स का बन जाना, ये सब को हम लोगों को कंट्रोल में करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों के खाने में फाइबर की कमी रहती है तो फाइबर युक्त खाना को हमेशा खाना चाहिए जिसमें फाइबर हो, जैसे फल का रस नहीं पीके फल खाना चाहिए ताकि हम लोग को फाइबर मिल सके। साथ ही साथ हम लोगों को एक्टिविटी कम से कम हम रहना चाहिए। जो आदमी मेहनत शारीरिक मेहनत नहीं करता है उसको हार्ट का बीमारी होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अतः हम लोगों को ये सब जीवन शैली में परिवर्तन ही हम लोगों का मेन। I am
Dr. Viswaranjan Misra, practicing cardiologist. So have a good healthy heart. You should have a healthy diet, less salt, less sugar, and less fat, and more of fibers, vegetables. And you should exercise regularly, work every day, 5 days in a week. 30 minutes rest per day, that will keep you healthy. And have a regular checkup of your doctor. Know your blood sugar level, know your blood pressure, and know your cholesterol level. Keep them in control with exercise, diet, and medicines. Hi, I'm Dr. Ram Reddy, practicing cardio-diabetic cases, where the patient counseling is very important apart from the medication which we give to them. And counseling includes the diet schedules, the physical activity, mental peace, and with the adherence to the drugs equally important. And time to time checkup by the medical checkup by the doctor is also equally important, because there are so many vital organs are involved in it: heart, brain, and kidney, and eyes, and also very vital organs. And we have to get them checked very frequently so that endocrine damage will not take place. So my suggestion to all the practitioners or the patient will be, so they need, cardiologic patients will definitely need a regular medical checkup. Sir, ki bimari Hindustan mein bahut tezi se badh rahi hai. लगभग हर चौथा एडल्ट ब्लड प्रेशर का मरीज हो रहा है, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ मरीजों को पता नहीं चलता कि उनको ब्लड प्रेशर हुआ है। इसलिए रूटीन में ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज, यहाँ तक कि आंखों से दिखाई देना भी बंद हो सकता है। इसलिए ये जो बीमारी बहुत तेज बढ़ रही है, इसमें सबको ईयरली कम से कम चेकअप कराते रहना चाहिए, और जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जहां दवा की आवश्यकता है दवा से ठीक करना चाहिए। मैं डॉक्टर दीपक वासनिया वर्ल्ड हार्ट डे पर अपने सभी पेशेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मैं अपना संदेश ABCDE के माध्यम से देना चाहता हूँ। ए का मतलब आपको एक्टिव लाइफ लीड करनी है, बी का मतलब आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, रेगुलर चेकअप कराना है, सी का मतलब अपना आपको कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है और कंट्रोल करना है, डी का मतलब आपको ड्रग्स या दवाइयाँ हैं वो रेगुलर लेनी है, और ई का मतलब आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, एफ का मतलब आपको अपनी फूड हैबिट सुधारनी है, फूड हैबिट्स में आपको नमक कम करना है, चिकनाई कम करनी है, और आपको हरी सब्जियां और फल ज़्यादा लेने हैं। मैं यही सब कहना चाहूँगा, आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपना बीपी कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी हार्ट डिसीजेस कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर अच्छा करेगा, हेल्दी हार्ट कैसे रखा जाए, उसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ये सारे के सारे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं हमेशा अपने मरीजों को बोलता हूँ कि आप जो स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग अपनी स्मोकिंग को छोड़ें, साथ में और 4 लोगों 10 लोगों को बोले ये स्मोकिंग छोड़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल देखा जाता है फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब लोग घूमना फिरना पसंद नहीं करते, लोगों को हमेशा जितना घूमने की आप कोशिश करेंगे, जितना पैदल चलने की कोशिश करेंगे, उतना हार्ट डिजीज होने का रिस्क कम होगा। स्ट्रेस लेवल को आप जितना कम रखेंगे उतना आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा। हमेशा अपने दोस्तों के साथ बैठें, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, खुशी खुशी रहें, यही हार्ट को हेल्दी रखने का एक मंत्र है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बढ़ती उम्र के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग जो सबसे खराब रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो अपना हार्ट हेल्दी रखने के लिए आपको खुद ही अपने ये सारे जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व रखना, और हमेशा चलते रहिए, आप चलते रहें, दिल चलता रहे।
wish for all the patients of heart disease. Stay healthy. You have to have a healthy diet, healthy exercise, and regular checkup with the doctors. That will give a long way, and you can live longer. J.S. Kushwaha, Officer of Medicine, India, Free Medical College, Kanpur. Today's top theme is Promise to Healthy Heart. Now, in today's scenario, these cardiovascular diseases, they are coming up very well in the society. And the main cause of the problem is the sedentary lifestyle, day-to-day stress, diabetes, and hypertension. So we have to go for no to diabetes, no to hypertension, to make the happy and healthy heart. It is essentially required that one should go for lifestyle modification besides treatment, because lifestyle modification will need to have a good and healthy heart. That means one should exercise at least 30 to 50 minutes, 3 to 5 days a week. Try to reduce the hip-waist ratio less than 0.8. And then, of course, the dietary habits like avoid carbohydrate, extra ones, and the fat, so that the excess of fat is not causing the problem of heart. And then, of course, avoid stress. So, by doing the exercise, doing the dietary modification, reducing the stress in the body will make the happy and healthy heart. Nowadays, we are also seeing that the patients are coming up with the problem of dyslipidemia, with hypertension, probably because of the pre-diabetes or metabolic syndrome. That also becomes one of the precursors of the heart diseases, and therefore we should try to, of course, reduce the waist circumference, the lipid reduction, and of course the pre-diabetes correction. And that can be done, of course, with the help of, as I said, with the dietary modification, lifestyle modification, proper exercises, and avoiding the stress. That is how we can make the happy and healthy heart. Hi, Dr. Jagesh Rupani from Odisha. On the behalf of World Health Heart Day, I am advising to the people who are suffering from diabetes mellitus or hypertension or any heart disease to regulate their blood sugar or blood pressure or any cardiac elements or like lipid profile or HbA1c in regular manner, and he or she should take the medication regularly, do exercise, and keep your weight within the limit prescribed, keep your blood sugar within the limit prescribed, then take the diet which is which should be taken by the above patients as prescribed by the, as advised by the doctors, and be happy and live long. This is my message to the patient of heart diseases or hypertensive or diabetic patient in the World Heart Day. Thank you. Hello everyone, I'm Dr. Krishna Kumar P, Assistant Professor of Cardiology, coming in with first to end. The incidence of heart disease is ever rising. As the saying goes, prevention is better than cure. Hypertension, diabetes, obesity, and so many comorbidities are there which lead on to heart disease, which has to be tackled. A proper awareness of the disease as well as proper medications are a must. We have to avoid sedentary lifestyle. Eating good food and other things has to be taken care of. All these things, especially the comorbidities that are taken care of properly, will help us combat the heart disease. Walking, minimum is walking. Jogging, if they can do that. And if they know swimming, go for a swimming at least once in a week. And walking at least four days in a week. And jogging, if they can, once in a week. And
to avoid junk foods and to avoid high calorie diets, and to also avoid coloring material in the food. Though the food looks more attractive, it's not good for the body. With the use of good physical exercise, HDL cholesterol will increase and LDL cholesterol will come down. And so also if they avoid junk food, the cholesterol levels will maintain better. Besides taking statins, this is what is written. Good evening. I would like to bring to your notice some of the important things which you have to know about your heart and what precautions you should take to prevent heart disease. Most important thing, right from childhood, everyone should be having a regular exercise pattern. Second thing is we should have a healthy diet. Healthy diet means a diet good in carbohydrates, proteins, but not in excess fat. Junk food and fast food are to be avoided as much as possible. Fresh fruits and vegetables are the ones which are to be eaten in large quantities. The third important thing is to have a stress-free life. To have a stress-free life, you have to relax. You can resort to any type of relaxation techniques. You can have regular exercise, games, etc. The other aspect of prevention of heart disease is that any person with any disease like hypertension, diabetes mellitus, high blood cholesterol, stroke, or any other risk factors for heart disease should be adequately treated and have regular physical checkup with his physician for these diseases. Thank you. Occasion of World Heart Day, I want to tell that cardiovascular problems are in number one position for morbidity and mortality at present. 50% are due to heart attacks, that is coronary heart disease. Rest of the cardiovascular problems include all other causes of cardiovascular diseases. In near future, heart failure patients will increase in number, causing disability and needs considerable health budget. Hence, prevention is essential. Prevention is possible only when the people become physically active, consumes healthy diet, and live with peace of mind. आप लोग को वर्ल्ड हार्ट डे में ध्यान देना है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए. अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो नियमित दवा का सेवन करें, समय से उठें, समय से सोएं, और ऑयली चीज़ के अवॉइड, ऑयली चीज़ कम खाएं तो बेहतर होगा. नमक का सेवन पर्याप्त मात्रा में लेना है, कुछ कम लेना है, नमक खाना है. कुछ लोगों को भ्रांति है कि ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक नहीं खाना है. नमक खाना है, नमक थोड़ा कम खाना है, लेकिन नमक खाना है. और प्रॉपर एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करना है, अपने वेट को भी कंट्रोल करना है और अपने वजन को बढ़ने देना है. कोशिश करें जितना वेजिटेबल खाएंगे उतना अच्छा रहेगा. वेजिटेबल साथ कुछ प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो तो बेहतर रहेगा. आप अपने को टेंशन दूर रखें, जितना टेंशन लेंगे उतना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में दिक्कत होगी. ब्लड प्रेशर की दवाई सुबह खाएं चाहे रात खाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप समय से खाएं. एक नियमित समय बना लेते हैं, उनको शाम को खाना है या सुबह खाना है. आजकल शाम को खाना ज़्यादा बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर रात को कभी कभी बढ़ जाता है, तो शाम को खाएंगे बीपी की दवा को बढ़े, ब्लड प्रेशर को बढ़ेगा नहीं. ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है. दो चीज़ है, नियमित दवा खाएं, समय से उठें, टेंशन कम लें, वेजिटेबल का सेवन ज़्यादा करें, और समय समय पर डॉक्टर को दिखा दें, महीने में एक बार दो महीने में डॉक्टर को जरूर दिखा दें. अपने मन से दवा न खाएं, जो दवा लिखा गया वही दवा खाएं, बेहतर होगा. ब्लड प्रेशर के साथ साथ और भी कोमॉर्बिड बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, इसके भी ध्यान दें. उसके लिए भी आपको डॉक्टर से बार बार चेकअप करना जरूरी है. इसलिए सबको सलाह देंगे, अगर आप ब्लड प्रेशर है तो नियमित दवा खाएं, संतुलित आहार खाएं, नमक का सेवन नियमित करें लेकिन संतुलित करें. धन्यवाद.
I must thank Kipta for organizing CAC and LAE CAC and hypertension CAC, for which the patient got immensely benefited because they became aware of their problems once their problems were analyzed and discussed with them. They were asked to take the medication on a regular basis, and while they do that and follow the advice of the doctors, they are able to reduce their complications as far as diabetes and cardiovascular disease. Thank you. I am Dr. Neeraj Varani, consultant interventional cardiologist at the Care Partner Heart Center, Kanpur. Today, we are celebrating 29th of September as a World Heart Day all over the world. And the theme of this World Heart Day is to make a promise for a healthy heart. For that, we need to give up on smoking, fried fruits, and we should accept good healthy eating habits like eating fresh fruits, green vegetables, and including dry fruits in a regular diet. We should include regular exercise in our daily regime, at least 30 minutes for 5 days in a week, and we should have good control of our blood pressure by taking regular antihypertensives, good control of sugar by taking anti-diabetic medications, and we should also have a very good control on our cholesterol levels by taking regular and hypolipidemic drugs. With this, I think we'll be able to complete our pledge, and we'll be able to have a healthy heart. And a healthy heart for our nation means healthy young people, which will help in the economic growth of our country. It has become very common in India. It is so much so that adults, about 10% of people have heart problem, while in the West it is about 2.5%. To protect us from heart disease, we have to be careful. The risk factors like heredity, sex and age, which we can't help, but other things like obesity, cholesterol level, diabetes, hypertension, smoking, and cholesterol level. These things, if one can be careful and control that with adequate exercise, meaningful and diet control, and taking care of other diseases if you have, like diabetes, blood pressure, cholesterol, one can do it. A great deal in bringing down the heart disease. So it is relevant that most of the adults after 40 should have a checkup, then go to your doctor, take an ECG, do your blood chemistry, and if there is anything abnormal, then take care. Even without that, adequate exercise and adequate food also, reducing salt, sugar, fatty things, good sleep and relaxation, and exercise. This will prevent heart disease in large extent. Now, Dr. Pranesh, my doctor is a senior physician and a diabetologist. Okay, we have a World Heart Day. World Hypertension Week also celebrating. Okay, so இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும். இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, உலகம் வந்து நம்பர் ஒன் கில்லர் டிசீஸ்னா ஹார்ட் டிசீஸ். கார்டியோவாஸ்குலர் ரிஸ்க் அதிகம். ஹார்ட்டை வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றிக்கணும். எப்படிசார் காப்பாற்றிக்கிறது? எதனால இப்படி ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது? சின்ன சின்ன வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுல எதுக்கு காரணம்னா, மெயினாக நம்ம வந்து டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ், உழைப்பு இல்லை, எக்ஸசைஸ் பண்ணதே கிடையாது, எங்கே போனாலும் வண்டி, வாக்கிங். ஸோ செடன்டரி ஒர்க் உட்காந்துட்டே டேபிள் மேலே உட்காந்துட்டு வேலை செய்கிறதுனால தான் ஒபேசிட்டி டெவலப் ஆகும். கேலரிஸ் வந்து நம்ம அதிகம் ஹை டென்சிட்டி ஃபுட் சாப்பிடுவோம், நிறைய ஆயில் ஐட்டம் சாப்பிடுவோம், நிறைய ஃபுட்ஸ் சாப்பிடுவோம், ரொம்ப ஒரு அன்ஹைஜீனிக் ஃபுட்ஸு, அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டு சாப்பிட்டோன்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட்டில் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதனால தான் இந்த வேர்ல்டு ஹைப்பர்டென்ஷன் மெயினாக திறந்து போகிறது என்னென்னா, உணவு கட்டுப்பாடு இருங்க, வெளியில் ஃபுட்டெல்லாம் அவுட் சைட் ஃபுட்டு அதிகமாக சாப்பிட்றதுங்க, கான்சியஸாக இருங்க,
டெய்லி காலையில் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வாக்கிங் போங்க, உணவு கட்டுப்பாடு இருக்குங்க, வாக்கிங் போகணும், ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸசைஸ் ஜிம்மு போய் சேர்ந்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் கான்சியஸாக இருக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். உடம்பை பற்றி நம்ம யோசனை பண்ணணும், உடம்பு பற்றி யோசனை பண்ணுறதே கிடையாது. ஸோ மெயினாக வந்து வாக்கிங் டைம் இது கான்சியஸாக இருந்துட்டு இன்சால்ட் பண்ணால் ஃப்யூச்சர் வந்து ஹார்ட் பாதி போகாது, கிட்னி பாதி போகாது, நரம்பு பாதி போகாது, டயபெட்டிஸ் வராது. மெயினாக டயபெட்டிஸ் அதிகமாக வர்றதுக்கு காரணம் இது தான். டயபெட்டிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் தான் வர்றது வாய்ப்பு. அதனால் நம்ம டைட்டு கண்ட்ரோல் இருங்க அண்ட் உடம்பு நல்லா பார்ப்போம். नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव किशोर आगरे से बोलता हूँ। हमारा वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है, तो आप सब लोग से ये सहयोग है कि आप लोग अपना अपना योगदान दें वर्ल्ड हार्ट डे में। देखिए, हार्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है शरीर के लिए, और वो भी एक ही होता है। बहुत चीज़ें दो होती हैं हमारे पास, फेफड़े दो होते हैं, गुर्दे दो होते हैं, हाथ पैर दो दो होते हैं, लेकिन हार्ट एक ही होता है। और बिना हार्ट के कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हार्ट की नसें जो चोक होनी शुरू होती हैं वो बचपन से ही शुरू हो जाती हैं, और कुछ तो विरासत में चीज़ें मिलती हैं हमें जेनेटिक, और कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे शुरू से ही हम लोग का खान पान डिस्टर्ब्ड है, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, चिकनाई वसा ज़्यादा इस्तेमाल करना, हरी सब्जी फल कम खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, बैठे रहना और पैदल नहीं चलना, ये सब चीज़ें मतलब जब लंबे अरसे तक चलती रहती हैं जो कभी ना कभी शरीर को डैमेज कर देती हैं, और या तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आगे चल के हार्ट प्रेशर कर जाता है। लोग सोचते हैं कि हम अगर ब्लड प्रेशर की गोली खाएंगे तो हम दवा के आदि पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाएंगे तो आगे चल के ये हार्ट और गुर्दे पर असर कर जाएगा, और आपको एक गोली की जगह पर तीन गोली खानी पड़ेंगी, एक हार्ट की और गुर्दे की और खानी पड़ेगी साथ में। तो अगर हम बचाव करके चलें तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इनका इलाज बहुत जटिल और बहुत महंगा होता है जब इसकी जटिलताएं हो जाती हैं। शुरुआती दौर में अगर हम लोग थोड़ा सा खान पान पर ख्याल करें, थोड़ा सा हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, फैट ज़रा नियमित मात्रा में लें, हरी सब्जियां फल काफ़ी सेवन करें, लाइफस्टाइल ठीक रखें, आधा घंटा पौन घंटा अपने शरीर के लिए निकालें, टहलने जाएं पार्क में या कोई एक्सरसाइज करें, तो हम लोग आगे चल के काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। ये आप लोग से मेरा मैसेज है। मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, उत्तर प्रदेश। मैं आप सभी लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में यही बस इतना बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से के बचाव के लिए आप सभी लोगों को कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के नियमित रूप से चलना होगा। नंबर एक, खाने पीने की मात्रा में नमक की मात्रा को कम रखिए। ऑयली चीज़ें, तेल, मिर्चे, मसाले, नॉन वेज, मांस मछली की मात्रा को कम रखें। दैनिक जीवन में सुबह व्यायाम जरूर करें। व्यायाम में यंग आदमी किसी तरह का व्यायाम कर सकता है, लेकिन ओल्ड एज में व्यायाम के लिए तेज़ी से चलना नित्य करें, और यदि इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर के उचित दवा रेगुलर मात्रा में प्रतिदिन समय से लेते रहें। धन्यवाद। Non-communicable diseases are rampant. Heart disease is one of the most important diseases, one of them. Regular physical exercise comprising 30 minutes brisk walk per day, at least 5 days a week. Diet rich in potassium, calcium, vegetables, ample amount of fruits, and very precisely low sodium diet. Alcohol abstinence. Healthy lifestyle, stress-free life, all will lead to a healthy heart and healthy life. कि ज़्यादा ज़्यादा ओबेस होते जा रहे हैं जो लोग जंक फूड वगैरह खाने से, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बहुत कॉमन प्रेसिपिटेट कर जा रहा है। मोर और लेस जो लोग नॉर्मल रह रहे हैं
बहुत यंग एज में अब ब्लड प्रेशर राइज कर जा रहा है और एपिसोड्स ऑफ दिस कार्डियक मॉर्बिडिटी आने लगी है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट्स, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको आदमी जो है कंट्रोल करके रहे। और 40 के बाद एटलीस्ट रेगुलर चेकअप, कार्डियक चेकअप और शुगर, ब्लड, फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली ही शुड बी अलर्ट, हमेशा चेकअप्स कराता रहे, एक्सरसाइज एक रूटीन में हमेशा उसके रहे, और कभी भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स महसूस होने लगे, हेडेक, डिजी, फिटिकेबिलिटी प्रॉब्लम्स आने लगे, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से नींद ना आना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत सारे लोगों को हो रही है जिसकी वजह से कार्डियक मॉर्बिडिटी आ जाती है, तो वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को बराबर खर्राटे आ रहे होंगे तो वो अपने बीपी चेकअप कराते रहें, रेगुलर कराते रहें, और अर्लीस्ट पॉसिबल पे अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करें जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इसी चीज़ों से रिकवर कर सकें बिफोर द कार्डियक गेट्स डैमेज रिवर्सिबल। थैंक यू। आई एम डॉक्टर एस के चटर्जी, आई एम MD मेडिसिन एंड आई हैव 43 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिसिंग इंटरनल मेडिसिन। वर्ल्ड हार्ट डे के लिए मैं लोगों को यही बोलूँगा कि वे अपने हार्ट को बचाना चाहते हैं तो नमक कम खाएं, और जो डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर और शुगर कम से कम रेगुलर चेकअप कराएं और अपने वेट को कंट्रोल करें और अपने जो दिनचर्या है उसको रेगुलराइज करें, खाने टाइम पे, सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए कम से कम 45 मिनट्स पर डे और 150 मिनट्स ए वीक। ऐसा करने से आप अपने दिल को बचा सकते हैं। खासकर हम देखते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति ज़्यादा नमक खाने से इंडिया में हार्ट अटैक होने के से उसकी मृत्यु हो सकती है या उसको बहुत स्ट्रोक हो सकता है। उससे बचने के लिए हमको ऐसी चीज़ों का उपयोग खाने में कम करना चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जिसमें नमक ज़्यादा हो, जैसे कि पापड़ और अचार। एक पापड़ में 1745 मिलीग्राम नमक रहता है और एक अचार में 1200 मिलीग्राम नमक रहता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो अपन खाते हैं, जैसे कि चीज़ है, पिज़्ज़ा है, वाइट ब्रेड है, और कॉमनली खाते हैं ब्रेड, बिस्किट्स खाते हैं, सोचते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु उसमें बहुत नमक रहता है। उससे बचे, उस सब चीज़ों का अवॉइड करें, रेगुलर मेडिसिन खाएँ और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएँ और वेट को कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें तो आप अपना हृदय को बचा सकते हैं। धन्यवाद। हार्ट हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित व्यायाम, शुद्ध भोजन और अपने रक्तचाप पर नियंत्रण, अपने मधुमेह और खून में वसा LDL या खराब चर्बी को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही हमें गलत आदतों का त्याग करना चाहिए, धूम्रपान, अल्कोहल या कोई भी नशीला चीज़ हार्ट के लिए बहुत ही नुकसान होता करता है। इसके अलावा किसी तरह की चिंता न करें और व्यायाम और स्वस्थ भोजन बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, दिस इज डॉक्टर श्रीकर। माय एडवाइस टू द पेशेंट्स ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे वुड बी टू प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस, दे शुड फॉलो ए बैलेंस्ड डाइट, डेली एक्सरसाइज, एंड दे शुड द अदर एलिमेंट्स लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल, सो दैट दे विल नॉट सफर फ्रॉम एनी हार्ट डिजीज एज ए प्रिकॉशन। And to those patients who are already have cardiac ailments, they should regularly visit their doctor and follow the medicines. Message to all individuals: have a healthy diet and regular exercise and protect your heart. Going to get heart attack. So practice regular exercise and fiber rich diet, less carbohydrate and less fat diet, so that you can protect your heart. So protect your heart and hold health. So first step. Just one. Huh? One just 25 seconds. So it's all to the patients.
have a regular checkup and regular checkup with your doctors, so you can really protect your heart on the eve of the World Heart Day. Message to patient on World Heart Day. Cardiovascular disease causes 29% of all death globally each year, making world number one killer. It is misinterpreted as only men's disease, but is as well common in women also. The excessive number particularly saddening. By eating a healthy diet, regular physical activity and avoiding tobacco, most of these deaths are avoidable. However, efforts to fight heart disease do not rest only to doctors. Individual can also reduce heart disease burden by learning about the risk factors and taking vital steps to reduce them. The good news is that most of those risk factors are modifiable. If we are to achieve healthy, dynamic and prosperous India, as a physician, I can advise that all of us need to work together to engineer country's health growth through healthy heart. I am Dr. Suresh Kumar, cardiologist, Mitra Heart Center, Chengalpattu. The message for the World Heart Day is prevention of heart disease. Prevention means you should take care of your blood sugar, take care of your blood cholesterol level, you should stop smoking, you should be active, you should not be without exercise, and you should reduce your weight. Obesity is a main risk factor for cardiovascular disease, and main thing is you have to stop smoking if you are a smoker, and you have to visit regularly your general physician or your family doctor and take care of your blood pressure if it is increased. If you take care all of these aspects, we can prevent heart attack and other cardiovascular diseases. Thank you. Heart patients are there before they get into problems. அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். உடைய வந்ததுக்கப்புறம் வந்து கஷ்டப்படுறது அர்த்தமே கிடையாது. எனக்கு கேட்டால் இன்ஃபேக்ட் லைஃப்பில் இது இது சின்ன வயசுலேருந்தே எக்ஸசைஸ் டயட்ரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாம் பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீஸ் கேன் பி இன் அவாய்ட். சரி, ஹார்ட் இது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் டெய்லி மார்னிங் வாக், ஈட்டிங் லாட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ், க்ரீன்ஸ் அண்ட் அப்கோர்ஸ் இது வந்து ரைஸ் ஐ மீன் கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப கற்றுக்க தவிர்த்துட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் ஜாஸ்தி எடுத்தால் திங்ஸ் வில் பி மச் பெட்டர். திஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், லெஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் மோர் ப்ரோட்டீன்ஸ். அண்ட் அப்கோர்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் டு இன்க்ளூட் இந்த டயட் வெஜிடபிள்ஸ், க்ரீன்ஸ் அண்ட் ஃபைபர். வேறு ஒன்றும் வேணாம், இது பண்ணவே போகிறோம். அதுக்கப்புறம் டிசீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து எப்படி ஹவு யூ ஷுட் கோ அண்ட் விசிட் டாக்டர்னு அதுக்கப்புறம் வந்து மீன் ஆக்சுவலி டிசீஸ் பார்க்கறது. நான் சொல்றது மெயின்லி ப்ரிவென்ஷன், ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர். அதுக்கு முன்னாடி தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி அவாய்ட். எஸ்பெஷலி எனிபடி ஓவர் 40 இயர்ஸ் தே ஷுட் ஸ்டார்ட் டூயிங் எக்ஸசைஸ், டேக்கிங் டயட்ரி ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் அப்கோர்ஸ் டேக்கிங் லெஸ்ஸர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் இப்போலாம் அப்படியே ஜெனிட்டிக் டிசிங் பிளேஸ் பிகர் பார்ட். அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து அது Good morning friends, 29 September 2018 will be celebrating as a World Heart Day, and the theme for this year is I promise. That means that I promise for a regular walk in the morning, I promise for diet control, I promise for yoga, and I promise to take my regular medications of hypertension and diabetes, which will definitely prevent your heart diseases in the future. Thank you. Friends, family, general public, the weight should maintain everybody according to their height, and blood pressure should maintain normal level 120/80, and lipid profile is very important for the all health problems along with diabetes, and blood pressure regulation is there. And the take home message to control their weight, good healthy diets,
with the fruits and lot of vegetables, and at least 30 minutes morning walk is necessary for good health. And always, if there is problem of hypertension, diabetes and the cardiac disease, they should always go regularly to the doctor checkup. Thank you. Maintain regular exercise, at least 1 kilometer per day, 5 days a week. Eat healthy always, cut down on the oily foods, and eat a balanced diet. Problems of heart and feeling. I'm touching every second fat person of the society in the middle age. Most of our society persons are affected with the cardiac problems. So they should know about it and how to take care of that. This is now through various awareness programs of social media and also they should be aware and be concerned with doctors, clinics. That is the only way they can protect their health, they can live in our life. That is which then be concerned. World Heart Day, Doctor, Nanga Solra Advice. Natural diet control and physical activity. Physical activity means morning jogging or walking or cycling and evening also. Rompada spend panna thevai illa or half an hour morning and evening spend pannite diet control. That means junk foods are maximum avoid pannadhu nalladhu. Healthy diet and vegetarian diet follow panna nalladhu. Thank you. September 9, 29th is a World Heart Day, and they've given small instructions like how to protect your heart throughout your life, because heart is the main organ of the body. We have to protect it at any cost. And to protect the heart, first of all, I request all of you people to follow a regular exercise for at least half an hour walk per day and quit all your bad habits like smoking and drinking. And non-vegetarian, you can go for a seafood but not a goat meat and all. Goat meat you can go once in a while. And rest of the other tips are, like provided if you have once in a year, you can go for all the regular health checkups like ECG, 2D, Co and TMT. And if you have a family history of coronary artery disease, for example, you have any father or mother or siblings have expired because of sudden death, you can go for a CT coronary angiogram as well. And I'll tell you the indication for what all the doctor is needed. For example, symptoms are where you have a chest pain on your chest or any burning sensation right from the throat till the chest, or any heaviness in the chest, or left arm dragging pain, or left jaw pain, and mid back pain. These are classic symptoms of heart attack. So you feel like once a person is getting a heart attack or is getting a doom kind of situation, at that point of time, and the person is lying on the road, you can put your both the arms on the chest and can do a body called CPR. Call it as a cardiopulmonary resuscitation. A person can put a lateral side of his head so that he won't get whatever is there under it. And second thing is immediately rush him to the hospital. Or if there is any paramedical person or any staff who can accompany him, you can also give him a small tablet called aspirin. Aspirin is available anywhere on this earth. So you can give him directly provided he is able to swallow. And next thing, rush him immediately to the hospital. If not, you put a mouth on his mouth and do mouth-to-mouth breathing. These are the simple tricks which I have to do. The person is as well, he suddenly collapsed and all. And the other small tips are, as usual, go for green leafy vegetables and fruits per day, whatever the seasonal fruit are, provided you are not diabetic. If you are diabetic also, you can go for watermelon, guava and all, and quit all the habits. And thank you for this. My advice to my patients, you start exercise, cycling, etc. early in life. Don't wait for the disease to come. Before that, you start your diet control, your exercise. If that doesn't prevent the progression of the disease, consult your doctor and take your medications every time. Hello, I am Dr. Abhishek Rathod. I am Associate Consultant in Vedanta Hospital in Dhaka. Today is World Heart Day. So on this World Heart Day, we should promise that we should eat healthy, drink healthy, stay healthy, do regular exercises and avoid unhealthy foods like these pizzas, burgers and all. And do regular exercises. Today is World Hypertension Day. On this day, I just want to convey my message that hypertension is the deadliest disease right now. It has got minimal symptoms but maximum morbidity. It doesn't cause
much of the symptoms that you seek doctor's advice. But I would suggest that every time, at least once in 6 months or once in a year, you go to the doctor and check your BP. That is my sincere suggestion, sincere advice. Stay fit, stay healthy, be physically active, maintain good food habits. I am Dr. S.K. Chatterjee. I am MD Medicine and I have 43 years of experience of practicing internal medicine. वर्ल्ड हार्ट डे के लिए मैं लोगों को यही बोलूँगा कि वे अपने हार्ट को बचाना चाहते हैं तो नमक कम खाएं और जो डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर और शुगर कम से कम रेगुलर चेकअप कराएं और अपने वेट को कंट्रोल करें और अपने जो दिनचर्या है उसको रेगुलराइज करें, खाने टाइम पे, सोना टाइम पे, उठना टाइम पे और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए कम से कम 45 मिनट्स पर डे और 150 मिनट्स ए वीक. ऐसा करने से आप अपने दिल को बचा सकते हैं. खासकर हम देखते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति ज़्यादा नमक खाने से इंडिया में हार्ट अटैक होने के से उसकी मृत्यु हो सकती है या उसको स्ट्रोक हो सकता है. उससे बचने के लिए हमको ऐसी चीज़ों का उपयोग खाने में कम करना चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जिसमें नमक ज़्यादा हो, जैसे कि पापड़ और अचार. एक पापड़ में 1745 मिलीग्राम नमक रहता है और एक अचार में 1200 मिलीग्राम नमक रहता है. और बहुत सी चीज़ें हैं जो अपन खाते हैं, जैसे कि चीज़ है, पिज़्ज़ा है, वाइट ब्रेड है और कॉमनली खाते हैं ब्रेड बिस्किट्स खाते हैं, सोचते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है परंतु उसमें बहुत नमक रहता है. उससे बचे सब चीज़ों का अवॉइड करें, रेगुलर मेडिसिन खाएँ और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें और वेट को कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें तो आप अपने हृदय को बचा सकते हैं. धन्यवाद. आज 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे पर मैं सभी लिसनर्स का स्वागत करता हूँ. मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव. वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है जिससे सब लोगों में जागरूकता पैदा हो हार्ट की बीमारियों के प्रति, जो कि आजकल बहुत बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर और शुगर आम आदमी में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ रही हैं. और एक फैक्टर और भी है कि फिज़िकल एक्टिविटी भी अब लोगों की बहुत कम हो गई और गाड़ियों की वजह से चलना फिरना कम है. और दूसरा, लोगों में स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, मेंटल टेंशन है, काम की है और दूसरी चीज़ों की भी टेंशन की वजह से बीमारियां और तेज़ी से बढ़ रही हैं. इसलिए एक ये दिन चुना गया है जैसे कि सब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, जिसकी वजह से लोग अपने हार्ट के प्रति, ब्लड प्रेशर, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हों. क्योंकि ये बीमारियाँ अगर कंट्रोल रखेंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, अपना वेट कंट्रोल रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ये बीमारियाँ कम होंगी और लोग स्वस्थ भी रहेंगे. मैं यही कामना करता हूँ कि सब लोग स्ट्रेस कम करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएँ, प्रॉपर अपना चेकअप कराते रहें, सो डैट किसी को अगर नहीं मालूम है इस बीमारी के बारे में तो पता चले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और इस बीमारी से बचें और इससे होने वाले आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे बचाव रखें. इसी कामना के साथ मैं सभी लिसनर्स को धन्यवाद कहता हूँ. नमस्कार. हार्ट डे ऑन 29th सितंबर 2018 माय एडवाइस टू द पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज टू remain physically active like walking, cycling, swimming. They should have their diet modified and they should not take plenty of fatty foods. They should take low salt. They should take vegetables, fruits and nuts. They should continue to have their medication without interruption and remain on follow-up by their doctors. First of all, common disease law. బీపీ ఒకటి షుగర్ ఒకటి రెండు కామన్గా ఉంటున్నాయి జబ్బులు. బీపీ అనేది జనరల్గా ఎక్కువ బరువు ఉన్న వాళ్ళు వస్తుంది. ఎక్కువ బరువు ఉన్న వల్ల తల్లిదండ్రులకు బీపీ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఎక్కువ ఉప్పు వాడటం అలాంటివి చేసినప్పుడు కూడా బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సిగరెట్ తాగటం, ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా బీపీ వస్తుంది. కాబట్టి బీపీ రాకుండా ఉండడం కోసం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం, సిగరెట్ స్మోకింగ్ మానుకోవటం, ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం ఉంటాం, ఆహారం ఉప్పు తక్కువగా వాడుకోవటం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. బీపీ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే
హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, అలాగే తర్వాత స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, పక్షపాతంగా సమస్యలు రావచ్చు, అలాగే కిడ్నీ చెడిపోయి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు, అలాగే కంటికి రెటీనా డ్యామేజ్ అయ్యి కంటి చూపుకోవచ్చు. కాబట్టి బీపీని ఎప్పుడు కూడా నార్మల్ రేంజ్లో మెయింటైన్ చేయాలి. నార్మల్ రేంజ్ అంటే 128 లోపల ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా 130-85 దాటకుండా బీపీ మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు. అందుకని వరల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ డే సందర్భంగా నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ జాగ్రత్త తీసుకొని రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని ఈ జాగ్రత్త తీసుకుంటే బీపీ నుంచి తొందరగా బీపీ రాకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ బీపీ ఉంటే తక్కువ మందుతో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. హ్యాపీ వరల్డ్ హార్ట్ డే. ఫర్ ఆప్టిమమ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఇస్ అ మస్ట్. సో లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ మీన్స్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, డయట్, సిజేషన్ ఆఫ్ స్మోకింగ్. దీస్ ఆర్ ఫ్యూ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ దట్ గోస్ అ లాంగ్ వే ఇన్ కంట్రోలింగ్ హైపర్ టెన్షన్. मैं डॉक्टर महेश गुप्ता स्टील अस्पताल बरेली में सीनियर फिजिशियन डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ. मैं आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने हार्ट की देखभाल, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करके करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो ये दोनों ही चीज़ें हार्ट को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं. हार्ट अटैक ऐसे मरीजों में जल्दी होता है, साथ में हार्ट अगर इलाज हो जाए या बढ़ जाए साइज में तो उसकी पंपिंग फंक्शन भी खराब हो जाता है, जिससे कि मरीज की सांस फूलती है और साथ साथ जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है. ऐसे मरीजों में मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, वजन घटाएँ, साथ में नमक का इस्तेमाल कम करें, जो दवाइयाँ समय से लेने की हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तो रेगुलर लेते रहें, साथ में अपना बीपी 130-80 के आसपास रखना चाहिए. अगर 140 से और 90 से ऊपर है तो ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर की वजह से शरीर में कॉम्प्लिकेशन जैसे आंखों का पर्दा खराब होना, हार्ट अटैक होना, फालिज पड़ना और गुर्दे खराब होना ये जल्दी होते हैं. इनसे बचने के लिए हमें हर तरीके से, चाहे वो नमक का कम इस्तेमाल करके, एक्सरसाइज करके, वजन घटा के और रेगुलर दवा करके कंट्रोल करना चाहिए. इसी प्रकार डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. शुगर जो है खाली पेट 100 खाने के बाद 150 से ज़्यादा ना रहे, इसके लिए बराबर दवाइयाँ लें, एक्सरसाइज करें, परहेज करें. धन्यवाद. सो गुड इवनिंग, मायसेल्फ डॉक्टर नसीमो रियाज एंड अ डायबिटोलॉजिस्ट. सो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे माई टेक होम मैसेज इज वी शुड हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, वी शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वी शुड हैव हेल्दी डाइट. And don't forget to do 150 minutes physical activity, and it should be by any means. You can do walking, jogging, swimming, whatever you like, but it should be 150 minutes a week or 30 minutes a day for 5 days a week. To keep your heart healthy is necessary. Stop use of tobacco, alcohol. Just enjoy your life. Thank you. सभी को विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक कुछ सलाह भी मैं सभी लोगों को देना चाहता हूं कि हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, हमें अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रण में रखना चाहिए एवं नियमित डॉक्टर से मिलकर के उसको चेक कराते रहना चाहिए. एंड हमें खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए. जो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, इसका नियमित सेवन करना चाहिए. और सबसे जो जरूरी है वो प्रसन्न रहना चाहिए एवं संपूर्ण निद्रा लेनी चाहिए. कम से कम 6-7 घंटे की नींद हमें अवश्य लेनी चाहिए. या अगर हम सारी चीजें करेंगे तो हम अपने हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकेंगे. सर, कुछ लोगों का मानना होता है कि कंफ्यूजन रहता है कि हमें बीपी कितना, हम हाइपरटेंशन रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके लिए क्या हमें ब्लड प्रेशर को 140-90 से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए. अगर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें सबसे पहले अपने नमक को नियंत्रित करना चाहिए एवं व्यायाम की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए. अगर हमारा वजन ज्यादा है तो वजन कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए. प्रणय नील जैन हूँ, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ.
इस वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें डेली वर्कआउट करना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक दिन में करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। खाने में हमें ध्यान रखना चाहिए कि नमक हम एक्स्ट्रा ना खाएं, नुकसान पहुंचाता है। तला हुआ हमें अवॉइड करना है। अगर हम हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे तो हम हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शाही, आई एम अ कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इन गोरखपुर। 29 सितंबर इज़ अ वर्ल्ड हार्ट डे। हार्ट जो कि जन्म से ही हमारी पूरी केयर करता है, जिसकी बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है, इसकी सबसे प्रमुख बीमारी जो आज एक एपिडेमिक की तरह फैल चुकी है वो एक कॉरोनरी हृदय रोग के नाम से जानी जाती है। कॉरोनरी हृदय रोग जिसमें पेशेंट को मुख्यतः एंजाइना की परेशानी या हार्ट अटैक की परेशानी हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए हमें मुख्यतः कुछ रिस्क फैक्टर को जानना बेहद ज़रूरी है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी। ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उनमें जैसे हमारी एज, बढ़ती एज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। पुरुष होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। तो इन रिस्क फैक्टर्स को जानने के लिए हमें अपने कंसल्टेंट, अपने नियर बाई फिजिशियन से रेगुलरली मिलना चाहिए और इन रिस्क फैक्टर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। एंजाइना की परेशानी के बारे में अगर हम बात करें तो ये छाती के बीच में होने वाला तेज दबाव या भारीपन होता है, जो कि ज़्यादातर एक चलने पे होने वाली परेशानी है। अगर इस तरह की परेशानी है तो आगे चल करके ये एक बड़े हार्ट अटैक का रूप ले सकती है। ऐसी कोई भी परेशानी अगर होती है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट या किसी भी फिजिशियन से मिल करके इसका प्रॉपर समय पर उपचार करना चाहिए। 9th of September, World Heart Day is approaching. So, it is the primary responsibility of every physician to look after the heart of his patients, and of course the public at large should also take care of their hearts, because heart is the only and the foremost vital organ. I should not say only, but it is the most foremost vital organ of the body. एंड जैसे हिंदी पंजाबी में भी कहते हैं कि दिल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिल के बिना शरीर कुछ नहीं, दिल के बिना आपका जीवन कुछ नहीं। तो इसलिए दिल का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। दिल लगाओ तो भी सोच के लगाओ, दिल का ख्याल रखो तो भी पूरी सोच समझ के रखो। उसके लिए हमें रेगुलर चेकअप्स कराते रहना चाहिए और रेगुलर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिकेशन लेते रहें। उसका थीम है आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस मीन्स हमें ड्रग्स के लिए प्रॉमिस करना है, रेगुलरली लेना है, रेगुलरली योगा करना है, रेगुलरली प्रिवेंशन जो हार्ट डिसीज के लिए है उसके लिए प्रॉमिस करना है। यही थीम इस बार का वर्ल्ड हार्ट डे का है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग ये सब। जैसे कि हम सबको मालूम है कि 29 सितंबर 2018 को हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे मनाने वाले हैं। इसका बेसिकली मेन उद्देश्य होता है कि जनरल पब्लिक को अवेयर करना कि हार्ट की बीमारियां क्या होती हैं, इनसे बचने के उपाय क्या होते हैं। हमारे भारतवर्ष में लगभग एक साल में 2 मिलियन के आसपास केस आते हैं, हार्ट अटैक के केस आते हैं, और जो आजकल चिंतनीय है इसमें 1/4 लोग ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में होती है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस उम्र में हार्ट अटैक का आना, जिस बीमारी को पहले 60-70 के बाद की बीमारी माना जाता था, आजकल यंग एज में हार्ट अटैक का आना बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसके जो मुख्य कारण मुझे लगते हैं बेसिकली वो मोटापे का होना, ओबेसिटी बोलते हैं इसको, और स्मोकिंग करना, स्ट्रेसफुल लाइफ होना, व्यायाम की कमी है, और धूम्रपान वगैरह, ये सब चीज़ें मेन कारण होते हैं यंग में अटैक आने के। और इन चीज़ों से हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि यंग एज में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां कम से कम हो
और डेफिनेटली रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और इस विश्व दिवस पर हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, हार्ट स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो सोसाइटी और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। थैंक यू। हेल्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट विच वी केयर लीस्ट। लिविंग स्टाइल इज द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू प्रैक्टिस। Must have a proper living style. Your habits must be regular, food must be regular, exercise must be regular. Stress-free life is the next most important thing. As you know, most of us are under tremendous amount of stress. It is priority to reduce this kind of pressures in life to lead a life of good health. Thank you. మీ హైపర్ టెన్షన్కి బ్లడ్ ప్రెషర్ రెగ్యులర్గా వాడుతున్న మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేయాలి. ఈవినింగ్ కంపల్సరీగా 22 రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. లో ఫ్యాట్ డైట్ తీసుకుంటూ ఉండండి, డ్రై ఫుడ్స్ తగ్గిస్తూ ఉండండి. నేను లాస్ట్ బ్రదర్స్ టెక్న్ ట్యాబ్లెట్ రెగ్యులర్గా వేసుకుంటూ ఉండండి. టెన్ ఎంజీ రసాయన కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోండి, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోండి. టేక్ కేర్. The basic things which the common man needs is regular exercise, gardening, swimming, yoga, a good breakfast with sprouted materials, fruits, dry fruits, plenty of green vegetables, salad. Morning. You can start your morning with a green tea. If you do it regularly, you may not require medicines. But if you are already on medicines, please continue your medicines regularly. I am Dr. Satish Suryavanshi, Senior Intervention Cardiologist from SMC Heart Institute, Raipur. Congratulations to all for this World Heart Day. As you all know that India is going to be the capital of heart diseases in coming 10 years. So we have to take precautions at this stage. So every day, every year, we celebrate the World Heart Day on 29th September of every year. And the WHO has started this celebration so that we take care of our heart. And every year they give you a theme. And this year the theme is My heart, your heart. So basically this is like talking about, when you talk about like I protect my heart, so how do I protect my heart? And then when I talk about my heart, I have to talk about the heart of my dear ones. So this includes the people who are working in the hospital, in the healthcare industries, and it includes also the pharma people also, like who are working in the industry who are so much stressed. So what they say is, like, you have to make a promise. So first you make promise to yourself that you will take proper care of your heart. So how do you take proper care of your heart? By promising to yourself then that you will follow a healthy lifestyle. जैसा कि आपको मालूम है, 29 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे भारत में ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे यहाँ इतने हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, डायबिटीज इतनी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य चीज ये है कि एक युवा पीढ़ी जो कि इस समय उछाल लगाती है 40 से 50 वर्ष की उम्र में हम आगे बढ़ने के सपने देखते हैं, उस उम्र में हमको ये डायबिटीज और हार्ट परेशान करती है। अभी देखा गया है कि हमारे जो 50% जो डायबिटीज है वो 50 साल के ऊपर है और 25% लोग तो सिर्फ 40 साल से नीचे हैं। आपको सबको मालूम है कि हम क्यों ये बीमार हो रहे हैं, क्यों हार्ट डिजीज हो रही है। ऐसा नहीं लगता कि हम अपना इस लग्जरी का टैक्स कितना देंगे, ये टैक्स बढ़ता ही जा रहा है, हमारा जीवन का सुकून खत्म कर रहा है, हमारा सुख खत्म कर रहा है। कौन चाहता है कि एक हार्ट अटैक हो जाए, उसके बाद सब आपको मालूम है एंजियोप्लास्टी, हार्ट डिसीज, और ऊपर से
हार्ट अटैक हो गया तो चलने में सांस फूलना, मतलब पैसे तो बहुत हैं यार मेरे पास पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्योंकि एक आदमी बोल गया प्रथम सुख नरोगी काया, दूजा हो घर में माया। तो बॉस पैसे तो बहुत इकट्ठे कर लिए, क्या हमने हेल्थ पे ध्यान दिया? क्या हमने हेल्थ कमाई? नहीं ना, कमाए कैसे? इतनी प्रतिस्पर्धा, टाइम ही नहीं है सुबह से शाम तक। फिर सिगरेट इन अ मेन किलर, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल बढ़ते जा रहे हैं। ये तो सब फैशन है, इसके बिना जीवन कैसे चलेगा? फिजिकल एक्टिविटी, अरे टाइम ही नहीं है बॉस, कमाना है, पैसे इकट्ठे करना है, मर्सिडीज भी खरीदना है। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी खत्म, स्ट्रेस उसकी तो बात ही मत करो। हमारे आज जितने हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसा बहुत मिल रहा है, पर क्या उनके जीवन में शांति है, सुकून है? पर आप ध्यान रखिए, जब जीवन में जो सबसे करोड़ है, जो बहुमूल्य है, वो तो प्रथम सुख निरोगी काया और शांति ही है। तो क्या हम इस सबकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा पे नहीं करेंगे इन बीमारियों के साथ? तो दोस्तों आज ही सतर्क हो जाइए, मैं मना नहीं कर रहा कि आपको पैसे नहीं कमाना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। आप अपनी पहले हेल्थ को देखें, क्योंकि वैसे भी एक स्टेज के बाद तो पैसा कोई मतलब का रह नहीं जाता है। तो उतना ही कमाएं जितनी हमको जरूरत है, दो चार फ्लैट और फार्म हाउस ज्यादा बना भी लेंगे, मर्सिडीज में घूम भी जाएंगे और पीछे चलने में सांस फूलेगी तो किस काम की। तो दोस्तों प्लीज 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 अपने जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं, जंक फूड अवॉइड करें, प्रसन्न रहें, छुट्टी लें, खूब हंसे खेले कूदे, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी लाइफ बिताए और फिर सुखी रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू। मैं डॉक्टर वी के भारद्वाज, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जबलपुर से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को डैमेज करती है, विशेष रूप से हार्ट को। डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों में हार्ट अटैक का रिस्क उसी बैकग्राउंड के दूसरे व्यक्तियों की तुलना में पुरुषों में 2 गुना और महिलाओं में 4 गुना रहता है। और इसका कारण शुगर की अधिकता के साथ साथ दूसरे घटक भी हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मेलिटी, ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मेलिटी, होमोसिस्टीन की एबनॉर्मेलिटी। और हमें हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शुगर कंट्रोल के साथ साथ इन दूसरी विकृतियों को भी कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर हार्ट। मैं डॉक्टर विजय सक्सेना, फिजिशियन भोपाल के हॉस्पिटल। वर्ल्ड हार्ट डे के लिए ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में आजकल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है और ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि उनको ब्लड प्रेशर या शुगर है, जब तक वो डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाता है कि ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर हाई है। अगर अपन जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और प्रिवेंटिव एक्शंस लें तो बहुत कुछ केसेस में अपन ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ना तो वेल कंट्रोल ही कर लेंगे, पर इससे होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे किडनी ख़राब होना, आंखें ख़राब होना, हार्ट पे लोड पड़ना या हार्ट ख़राब होना, हार्ट फेलियर होना, इन सबको बचा सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से। मेरा नाम सरोन है, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। एंड एज यू ऑल नो, हार्ट अटैक इज मोर कॉमन अमंग द एल्डरली पेशेंट, स्पेशली हु हैव रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। बट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन दैट नाउ वी फाइंड मेनी यंग पीपल डेवलपिंग हार्ट अटैक्स। As far as I realize that stress and smoking being the common risk factors for them, so I would like to state that on this day that it would be better to quit smoking and lead a stress-free life by doing regular exercise, spending time with your friends and family,
and develop some hobby which will spare your time. Be happy and stay healthy. Okay, this year, on the 29th of this month, September, I was practicing the doctor in the department. I want to stress more on the young generation because day to day we are seeing some new patients, young patients coming to our department who are suffering with ailments. So this cardiovascular disease is a very important, I think, is a factor which will affect the future profile. So first of all, the young generation, especially the first one, have a healthy health lifestyle, physical activity, daily physical activity, and decrease stress level in their life, so that this have a future, their future life will be more correct, and in turn it will increase the productivity of the entire nation as such. So this year I want to focus more on younger patients who are suffering more with this cardiac ailments. So for a healthy lifestyle, they have to take care of this important daily physical activity, food habits, and more diagnosed, better to have a regular health checkup. People all over the world, by now they have realized that cerebrovascular disease is one of the single most important cause of death for this community. And controlling this modifiable risk factors and non-modifiable risk factors are equally important for control of cerebrovascular disease. Out of all the controllable or modifiable risk factors, hypertension is one factor which cause lot many tragedies in the humanity. So we know that hypertension is a silent killer, and it creates lot of problem, and it damages all the end organs like kidneys, heart, then peripheral blood vessels, nerves, eyes and all without any symptoms. So it's very important that these patients should realize this fact, and once they are detected to be this hypertensive, then it is important for in their part to continue the medicines throughout their life. In fact, they should not stop it suddenly or abruptly without consulting a doctor. If doses to be this reduced or increased, they should consult a doctor. And if they follow this rule, then probably many of these causes of sudden cardiac death or the cerebrovascular disease could be prevented. We know that in this year, the theme of the World Heart Day is my heart, your heart, and it is the heart of everyone. To keep all the hearts healthy, it is very important to realize that we should allow every heart to beat. So to maintain it, we should maintain a very healthy lifestyle like regular exercise, then avoiding these various risk factors like smoking, then control of good control of weight, then the good mental status, then control of your lipids, control of your sugar, and all other risk factors. And it is very important, apart from this, that we should have the regular health checkup, which gives us a lot of information regarding our current health. Blood pressure ko control rakhne ke liye santulit ahar, niyamit vyayam, samay samay par apna blood pressure check karana, tatha doctor dwara dawai jo likhi gayi hai usko samay par lena, ye char kunjiyan hain jinka hamesha dhyan rakhna. I am Dr. Akhil Patni, a physician practicing in Ahmedabad since 22 years. I want to give a message in this occasion on World Heart Days to my nation. First of all, coronary artery disease are increasing day to day in our India, and young persons are suffering like below 40 years. So what is the prevention and what is about the further management in the heart disease? First of all, we have to take a preventive measures. We can't change our genes because genes are there in South Asia. But we can prevent by the way of exercise, diet, and most probably regular checkup of the blood pressure, diabetes, and lipid level, and ECG at regular interval. First of all, we will discuss about exercise. We have to do exercise at least for 45 minutes daily. Whatever exercise we will able to do, it is depend on your capacity and physical fitness. You can do like 45 minutes brisk walking daily,
or swimming like 30 minutes, you can play lawn tennis or badminton or regular gym or cardio according to your capacity, according to your blood pressures and comorbid conditions. But with diet, we discuss about diet. Diet, high fiber diet, low fat diet, and with vitamin and omega 3 fatty acid, which can prevent the heart disease also. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव खंडेलवाल. मैं एम्स भोपाल में कार्डियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, एवं इंचार्ज हूं. वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को है इस बार, और इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मेरा आप सभी को ये संदेश है कि अपना ख्याल रखिए, अपने हृदय का ख्याल रखिए, व्यायाम करें, अच्छी जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ चीज़ें खाएं, और धूम्रपान अगर आप करते हैं तो इसको छोड़िए. वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो उसको कम करिए. खाने में नमक कम खाएं, शक्कर कम खाएं, फल ज़्यादा लें, और अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि छाती में दर्द है या कुछ आप ठीक से महसूस नहीं कर रहे हैं तो किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को अवश्य दिखाइए. धन्यवाद. हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. सो टू कीप योर हार्ट हेल्दी, इट इज़ वेरी सिंपल टू फॉलो गुड लाइफ स्टाइल एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड लाइफ स्टाइल मीन्स avoid smoking, alcohol, tobacco in all forms, and have good exercise. Do proper regular exercise every day and take proper rest and sleep every day. And if you have blood pressure, diabetes or high cholesterol, then consult your physician to control all these risk factors for the heart problem. So control of risk factors and a proper healthy lifestyle. This is all what is required for a healthy heart. Thank you. Hi, Dr. Siddhartha, consultant physician, KTM Grand Bangalore. It's my pleasure to give some important advice to the general public about preventive measures to be taken in the management of hypertension. On this World Hypertensive Day, regarding modified lifestyle, diet, exercise for 45 minutes per day, and a routine yearly health checkup and consultation with the doctor. Thank you. My message for World Heart Day is eat right, work right without deviations, follow stress-free lifestyle to prevent onset of comorbidities like diabetes, hypertension, dyslipidemia, etc. I, Dr. Kalidas Bharati, consulting physician, would like to give some message on World Heart Day, at this 29th September, to my patients. Do daily exercises, that is 90 minutes in a week. Do weight reduction. Avoid fatty food, stop alcohol and smoking, keep your heart young, fit and healthy. Thanks. Patients को आजकल चाहिए कि वो खाने पीने में और एक्सरसाइज में ज़्यादा समय लगाएं. आजकल हो क्या रहा है, हर आदमी जो है वो मेटेरियलिस्टिक हो गया है. हर आदमी को चाहिए, चाहता है कि वो पैसे से सब कुछ ले ले, लेकिन बट पैसे से कुछ नहीं हो सकता. इसलिए One should keep body healthy, mind healthy, heart healthy, should eat healthy, take less salt, take less fried substances, and do exercise. That's all. I am a physician and a diabetologist working as a consultant medicine in Bhagwan Mahavir Hospital, Pritampura, New Delhi. First of all, I would like to share what is hypertension and how it can be prevented. Now, hypertension is an emerging disease in the developing world, basically because of the stress which is on the persons who are working 9 to 5. As we know that previously hypertension was a disease of old people, but now even the younger people are coming in hypertension, because first of all the stress they are in because of the work, unhealthy lifestyles,
more consumption of cigarette and alcohol, less time to sleep, and relaxation activities. So first of all, when the person comes to me with a complaint of headache, chakkar, or body ache, or inability to sleep, what I do, I first take the blood pressure, and if the blood pressure is more than 140-80, then hypertension does come to my mind. But before starting any medication, I ask in detail what is the lifestyle, how is the stress and everything. Then I do advise him the lifestyle modification that include at least 1 hour for himself to relax anyway by yoga, meditation or following any hobby. If he is smoking, if he is drinking, that he has to abstain. His eating habits, he has to take regular meals. He should not skip meals and should not take very heavy and oily meals. I also ask them, okay, take plenty of fruits and veggie and your salads. That would really help him. And I say that spend more time with your family. That really helps in decreasing the stress. I ask him, okay, every 3-4 months he should go out with the family, have fun. Every Sunday he should have fun, so that the person, the stress which is there is decreased. So before starting any medication, I think this lifestyle should be at least for 3 months. See if it is, if the BP is coming down, he is taking adequate rest, adequate sleep. If it is not, then yes, then we have to go according to the guidelines and start the medication. In the end, I would say that hypertension is a silent killer, and if it is dealt at the seedling stage means that if it is, if the person comes to you very fast with any headache or chakkar, we should go for blood pressure monitoring and then we have to treat him adequately, either by lifestyle and if needed, then medication. Thank you. So ischemic heart disease undergo intervention in the form of bypass surgery or angioplasty. But many patients just fail to do the follow-up after that, and they do not take their medicines regularly. It is very important for the patient to understand that taking regular medicine is even more important than undergoing angioplasty or bypass surgery. Please keep in mind. Hello, this is Dr. Praveen Ramachandra. I'm an endocrinologist in Diabetes Clinic, Bangalore. In this World Heart Day, what I want to give the message is all the lifestyle diseases which we are seeing, diabetes or obesity or PCOD in females, all heart diseases are mainly due to lack of inactivity, I mean physical inactivity. So that is the main reason. If you correct this and become more active, all these diseases can be prevented or can be reversed. Thank you. Hello, this is Dr. Puneet Goyal. I am a cardiologist at Greater Kailas Hospital, Indore. We are celebrating World Heart Day on 29th of this September, this year 2018. And on this occasion of World Heart Day, the basic theme is I promise. So this time I would promise that I will try to keep myself... So I promise that I will keep myself fit, I will be physically active. I will do regular exercises, walk and jogging. Then I would avoid fast foods and will take fresh fruits, fresh vegetables and healthy foods. And I would ask everybody to avoid alcohol and smoking. Hello friends, Dr. Rajkumar Bajaj from Meerut. If I am hard, I beat 1 lakh times in a day, 36 million times in a year. With each beat, I pump about 200 ml of the blood at the rate of 80 beats in a minute. I send 4 to 6 liters of blood in distance about 1 lakh kilometers through your blood vessels at the rate of 1440 times a day. So,
the best and most beautiful thing in the world cannot be seen even the touch. They must be felt with the heart. So do care of your heart. Give up smoking, alcohol, fatty rich foods, and take healthy food and go regular exercise. Yes. Greetings to everybody. On the occasion of this World Heart Day, I would like to talk about the other aspect of heart. We all have heard about the measures we should be taking about physical heart, of which you are all aware. I will emphasize the importance of the spiritual heart also. All of us should take care of our spiritual heart by meditation on the heart. Having been doing this for several years now, I have proof of the benefits of this practice. So I will encourage everybody to do meditation on the heart and lead healthy, happy, stress-free lives, because heart is the seat of life in our body. So it is very important. In accordance with the other measures related to diet, physical activity, this is something which we are missing on. We should all be encouraged to actively meditate on the heart with this heart-related practice.